खरगोन जिले में आयुष विभाग ने आज धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया। धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी को याद करके आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन विधायक रवि जोशी ने मंच से बताया कि आज के समय में आयुर्वेदिक इलाज सस्ता है, रोगियों के लिए कल्याणकारक है। मेरे परिवार में हम सभी आयुर्वेदिक उपचार करते आए हैं, आप भी आरोग्य आयुर्वेद को प्रचारित करें। इस अवसर पर मंच पर जिला पंचायत CEO DS रंडा, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष जैनुद्दीन बादशाह सहित हेमेंद्र सिंह दरबार भी मंच पर मौजूद रहे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्योंकि आयुष भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जितना कि एलोपैथी जितना एडवांस टेक्निक है, वैसे ही आयुष भी एक है, बहुत अच्छी विधि है। और जिसमें मैंने देखा कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने खुद ने अपने बच्चों का जो इलाज है, बचपन में पूरा ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी से ही कराया, ना कि एलोपैथी से। और आज मेरे बच्चे दोनों बहुत स्वस्थ हैं और इस बात की मुझे खुशी रहती है। और आज भी मतलब जरूरत पड़ती है तो वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको बहुत कम ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि उनको एलोपैथी, हमको कोई मेडिसिन उनको देने की आवश्यकता पड़े। और आज की तारीख में मतलब अच्छे से अच्छे, चाहे खुद डॉक्टर भी होते हैं, लेमेन पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, इवन चाहे किसी कैटेगरी के हो, पढ़े लिखे लोग भी आजकल का जो रुझान है मतलब आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की ओर बढ़ता जा रहा है, हम यही चाहेंगे। और जिसमें कि पंचकर्म बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर लोगों को आकर्षित कर रहा, अब आजकल तो ये देखा जा रहा है कि प्राइवेट में भी पंचकर्म लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। आज जहाँ भी शहरों में जाके देखेंगे आप कि हर जगह प्राइवेट में पंचकर्म दिखाई दिया जाना। और ऐसे में यदि हम लोग अपना ट्रीटमेंट भी मतलब आयुर्वेद होम्योपैथी कराते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी आता है। क्योंकि हम लोग तो एलोपैथी की तरफ है, मगर फिर भी एक रुझान जो है आयुष विंग की तरफ रहता ही है। कई बार होता है कि CMHO मैडम डॉक्टर डावर जन्मदिन बोराई दरबार जी, आयुष अधिकारी डॉक्टर आसनकर जी, सम्माननीय डॉक्टरगण, सबसे पहले तो आप लोगों को आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप लोग आज चतुर्थ दिवस जो है राष्ट्रीय यानी आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में एक शिविर भी लगा रहे, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की। एक छोटा कार्यक्रम न करते हुए खरगोन जिले के लोगों को इस शिविर के माध्यम से लाभान्वित करेंगे। माननीय विधायक महोदय को मैं बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग हमने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत किया। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभी तक हमारे 6 शिविर हो चुके हैं और 6 शिविर में जिले के लगभग हर शिविर में 1,200 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। लगभग यानी जिले में 6,000 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और लाभ भी लिया, दवाई भी ली, उनका परीक्षण भी किया गया। और ये आयुर्वेद की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनने एक मिशन के रूप में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत एक शिविर आयोजित करके लोगों को लाभान्वित किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी ये कार्यक्रम हमारे होते रहेंगे, उसमें खरगोन जिले की जनता की आप लोग सेवा करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और अंत में परिवार जुड़ेगा तो निश्चित ही परिवारों की आर्थिक स्थिति भी, जो बाजार में महंगी महंगी दवाइयाँ एलोपैथी खा रहे हैं, उससे वो दूर होंगे। मैं आप सबको आज धनतेरस के अवसर पर और उसकी बहुत शुभकामना देता हूँ, दीपावली की बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और निसंकोच विश्वास करता हूँ कि हम हमारे जीवन में एक संकल्प ले, हमारे घर के अंदर कर लिया वो काम नहीं चलेगा कि मैंने आयुर्वेद का एक पौधा लगा दिया। साहब हम कहीं भी एक हम CEO साहब से बात करते हैं कि हमको 500 पौधे लगाने, इतनी ज़मीन अगर मेला ग्राउंड के आसपास दे दे तो अपन औषधि पौधे लगा सकते कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ठीक। अपन लाख और 50,000 की बात नहीं करें, आयुर्वेद टीम डॉक्टर साहब ध्यान रखना, केवल हमने घर में तुलसी का पौधा लगा दिया, आंगन में आंवले का लगा दिया, वो काम का नहीं। हम हमारे जीवन में एक पौधा, CEO साहब से निवेदन करता हूँ कि हमको 500 पौधे आयुर्वेद के लगाने के, औषधि पौधे काय को लगाए, हम लीम पीपल जिनको लगाना है वो लगा देंगे, हम आयुर्वेद से जुड़े हैं, आयुर्वेद से संबंधित पौधे लगाएंगे तो निश्चित ही लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी और लोग लगाएंगे। हम हमारे जीवन में एक पौधा लगाने की शुरुआत करें कि एक